टमाटर में क्या खाते हैं? टमाटर चटनी। चटनी अच्छा, चटनी पीस खाते हैं। लगभग हाँ 10-15 घर है, ज़्यादा नहीं। 10-15 ठो क्या काम चलता है आप लोग का? अभी सरकारी भूमि समतली वाला ना, चांदी साथ नहीं जाए, नहीं जाए। ये गोदना साथ जाए, सिर जही गल जही संगे माटी मिल जाए, हड्डी हड्डी घुस घिसते कहाँ छोटी सहे। अच्छा, गोदना संगे में जाही। अरे बुबा मैं जाना मटूरा चली बावे भुए रे गतया हूँ। का बोले अर्थ का होते? का होते बिहा गीत हवे। का बोलत है मां अपन बिहा गीत में? ए डाड डगरे हाथी नदना चरे मैं यहाँ जन्म टूरा मोर माय बाप नी आए ले मोके कौन हर गाड़ी हिला दी मैं भुए रेंगत हूँ, ये गाना है। अच्छा, आप मान लीजिए से शहर जाता तो कुछ सामान लेना है तो कथी जाता? शहर बगीचा तो जाता हूँ। बगीचा तो दूर पड़े ले, बहुत दूर है। ता रेंगा जाए? रेंग के जो रेंग था जंगले जंगल। हाँ। पूरा कुछ गोठिया के बतावा कुछ देवा तो मैं नहीं गोठियाई के बताबो अत कुछ गोठिया है तो का गोठिया है कुछ गोठिया है हमर भाषा अलग अलग जुना है। हाँ। चल आओ तीन मतलब आओ। हाँ। ऐसा क्या हमर सिंह रही बिहा करवे शादी करवे अभी तले दोसर सरकार रही कहीं देखबे नहीं करे। पहाड़ के ऊपर घर बनाकर रहना सोचने और सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के अंतर्गत जंगल क्षेत्रों में पहाड़ों के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं पहाड़ी कोरवा जनजाति। पहाड़ों पर विशेष रूप से इनका घर होता है, पूरा जीवन यापन होता है, जिनकी वजह से इन्हें पहाड़ी कोरवा के नाम से जाना जाता है। आज उस समुदाय के बीच उनके रहन सहन खान पान उनके जनजीवन के बारे में चर्चा करने के लिए हम भी चढ़ गए हैं उस पहाड़ी के ऊपर, तो चलिए आपको भी मिलाते हैं। पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी कोरवा जो है निवास करते हैं, तो सोच सकते हैं कई दिन से वही रहते हैं, राशन पानी लेकर चलते हैं, पता नहीं पानी के भी वैसे वैसा हो पाता है। नमस्कार, जय जवाहर, मैं हूँ प्रजाज सी टूरिस्ट गाइड और आज मैं हूँ छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के अंतर्गत जशपुर जिले में। जशपुर जिलों में पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्गम इलाकों में जहाँ पर पहाड़ी कोरवा जनजाति निवास करते हैं उनकी दिनचर्या जीवन यापन का है पहाड़ी कोरवा का, शहर की चकाचौंध से दूर होते हैं और आज भी इनको कई प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। और जब इनके घर को देखेंगे और इनको जो दिनचर्या है जीवन यापन करने के लिए जो साधन है उनको देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और इस क्षेत्रों में ऐसा बहुत चीज जो आपके तरफ सुविधा मिलता है वो सुविधा इस तरफ नहीं मिल पाता है और एक अनोखा एक जीवन है। विशेष रूप से इनको पहाड़ी कोरवा के नाम से जाना जाता है और पहाड़ी श्रृंखला पर ही लोग निवास करते हैं और पहाड़ी पर चढ़ते हैं, कई दिन तक पहाड़ी के ऊपर में ही रहते हैं और पूरा समझ से बाहर है मेरा कि कैसे बिना पानी खाना पीना ऐसा बहुत कुछ, और शहर की चकाचौंध से दूर अगर किसी का तबीयत भी खराब होता है तो शायद उसको शहर जाने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा बहुत कुछ बातों को लेकर हम अभी हम चर्चा करेंगे। और अभी हम हैं पहाड़ी कोरवा जनजाति के बीच में, फिर से एक नए जनजाति के से आप मैं गुरु कराना आया हूँ। बच्चे लोग हैं वो स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। जाते हैं आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी जाते हैं? यहाँ स्कूल है? आंगनबाड़ी है, स्कूल नहीं है। नहीं। तो जैसे आगू आओ पढ़ना है स्कूल, तो स्कूल दूर पर है, बहुत दूर पर है, तो पढ़ाई कोई नहीं करे चाहिए जैसे आना जाना करके तो आपन के तो घर का जने घर हवा है तरफ ये पहाड़ी क्षेत्र 12 घर है। 12 घर है मात्र? अच्छा, आप मान लो जैसे शहर जाता तो कुछ सामान लेना है तो कथी जाता? शहर बगीचा तो जाता, बगीचा तो दूर पड़े ले, बहुत दूर है, तो रेंगा जाए? रेंग के दूर, रेंग था जंगले जंगल। हाँ। पूरा घाटे घाट, घाटे घाट पूरा जंगल को चढ़ के उतर जाते हो? हाँ। अच्छा, ये गोदना को कहाँ गोदाए हो आप? कब गोदवाए हैं? ये बहुत बहुत दिन है जाता है। दनगरी से? दनगरी से आवे है लोग घर। हां, बला थान भाई ये हमर नहीं रहल तो बढ़िया नहीं दिसेल ते कर हम के का कह दई ए नहीं रहल हल हम के बढ़िया नहीं दिसे मर जाले ते ही साथे चल दे। अच्छा, सोना चांदी साथ नहीं जाए? नहीं जाए, ये गोदना साथ जाए। हां, ये सिर जही गल जही संगे माटी मिल जाए, हड्डी हड्डी घुस घिसते कहां छोटी सहे। अच्छा, गोदना संगे में जाही? अच्छा, कहाँ कहाँ गोदवा है? पैरों में गोदवा है? अच्छा, योजना के लाभ मिलते कि नहीं मिले सरकार? नहीं मिले हम के यहाँ घरों निकल घटा नहीं देखो तो का लखे एकदम छेछरा कुरिया है बैठे हैं। हाँ, हम के तो सरकार घरों निकल दे
सब जन के तो दही कहाँ कहाँ बिल्डिंग में नहीं फेंक देता है, हमके तो देते कुछ सुविधा है नहीं आए ना, हमारे जगह सिंचाई कर सुविधा है ना, कुआ है ना तालाब है। पानी पीने के लिए कहाँ जाते हो? पानी ढोड़ी जाते हैं, ढोड़ी नदी का पानी उन्हीं पी लेते हो? ढोड़ी के जो छान के पीते, नल नहीं है? अरे ना डगर मेरे हाथी न दना, हाथी न दना चरे, अरे डाड़े ना डगर मेरे हाथी न दना चरे, अरे मोए जनम टूरा चली पावे भुए रे गतया हूँ, अरे बुबा मोए जनम टूरा नि चली पावे भुए रे गतया हूँ। का बोले अर्थ का होते? का होते बिहा गीत हो? का बोलत है? मैं अपन हम बिहा गीत में डाड़ डगरे हाथी नदना चरे, मैं यहाँ जन्म टूरा मोर माय बाप नी आए, ले मोके कौन हर गाड़ी हिला दी, मैं भूये रेंगत हूँ, ये गाना है। और ये पहाड़ी के ऊपर लोग रहते हैं, आसपास जितने भी पहाड़ देखेंगे बड़े बड़े, उन सभी में आपको एक एक घर दिखेगा, एक पहाड़ में एक घर। विशेष रूप से इन लोगों को पहाड़ी कोरवा के नाम से जाना जाता है। ना रोड दे है, ना पुलिया दे है, ना घर दूरा दे है। हाँ, रोड है ही नहीं है। हाँ। ना हमके पका कर बिल्डिंग देबे नहीं करे, बस हमें सरकार एक लाके हमें चुमत चाटा तहन वोट आही ते ज्वार किरला ही, बाद में हमके देखबे नहीं करे, बस चाउर एकला देता है ओके खाते है, हमार कुछ सुविधा नहीं है। हम जो हमार सरकार होवे कहीं के जीता थन, लेकिन बाद में हमके देखबे नहीं करे कि कहाँ जगह का होता है, कहाँ जगह का तकलीफ है, तो देखबे नहीं करे। बनल के भले और घरों के दुबारा हो भेटाता है, लेकिन हमार पहाड़ी के भेटाते नहीं है, और हमें झील मरब सस्ता हुई मरब कि हमार सरकार आता है कहके, लेकिन हमार सरकार हमके नहीं चिन्ह। दोस्तों अभी कुछ दिनों से मैं सरगुजा क्षेत्र में यात्रा कर रहा था, इस दौरान मैंने पता चला कि यहाँ पर पहाड़ी कोरवा उराव जनजाति विशेष रूप से जंगल में निवास रहते हैं। तो ये तो पता चलता है जब जंगल में पहाड़ी ऊपर रहते हैं कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे, पानी कहाँ से मिलता होगा, रहना खाना शिक्षा स्वास्थ्य ऐसे बहुत कुछ, जैसे रोजगार, ऐसे बहुत कुछ मुद्दे को लेकर मैंने यात्रा करना चाहा, इस क्षेत्र में भ्रमण करना चाहा। और सबसे पहले मैं यात्रा के इस पहले एपिसोड में सरगुजा संभाग के इस घर को दिखा रहा हूँ जो कि पहाड़ी कोरवा का है, और पूरे पहाड़ के ऊपर मात्र एक घर है और एक ही परिवार है, और छोटे छोटे बच्चे हैं और चिंता है, मासूम है भविष्य को लेकर कि क्या होगा। बाकी यहाँ आंगनबाड़ी तक है, अगर ये लोग शहर जाते हैं तो सुबह से निकलते हैं पूरे पहाड़ पर्वत को, जंगल झाड़ी को, पगडंडी के रास्ते पैदल चलते हुए शहर पहुँचते हैं और उसी रास्ते से वापस आते हैं, यहाँ रास्ता भी नहीं है। तो काफ़ी मशक्कत करके हम खुद यहाँ तक पहुँचे हैं, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो ये वो घर उनका है। अंदरूनी इलाकों, दुर्गम क्षेत्रों में सफर करने के दौरान ऐसे बहुत कुछ रहस्य से लेकर इनकी कला संस्कृति रीति रिवाज से लेकर कुछ समस्या भी सामने आती है, जिन पर समाधान करने के लिए हम ऐसा छोटा सा प्रयास आप तक जानकारी साझा करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।